6 दिसंबर 2024 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स किए जो इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी इंपैक्टफुल हो सकते हैं। चलिए इन अपडेट्स को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ के बारे में। आरबीआई ने FY25 के जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन रिवाइज करके 7.2% से 6.6% कर दिए हैं। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि क्वार्टर 2 FY25 का ग्रोथ रेट सिर्फ 5.4% रहा, जो पिछले 7 क्वार्टर का लोएस्ट है। ग्रोथ स्लो होने की वजह मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की वीक परफॉर्मेंस, माइनिंग सेक्टर का कॉन्ट्रैक्शन और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का गिरना। इस सिचुएशन में ग्रोथ को बूस्ट सपोर्ट करने के लिए पॉलिसी सपोर्ट की इस समय खास जरूरत है। अब रेपो रेट की बात कर लेते हैं, तो MPC ने इस बार रेपो रेट को अनचेंज रखा है। इसका मतलब है कि इस बार भी इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं किए गए। ये डिसीजन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लिया गया, जो अभी भी एक मेजर कंसर्न बना हुआ है। MPC के 6 में से 4 मेंबर्स ने अपना स्टैंस न्यूट्रल रखा इस बार की रेपो रेट को लेकर के, और जो उनका ओवरऑल ग्रोथ स्टैंस है वो भी इस समय पर न्यूट्रल है। एक और बड़ा अनाउंसमेंट था कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR में कट। RBI ने CRR को 4.5% से घटाकर 4% कर दिया गया है, जो कि 2 ट्रांचेस में, पहला कट 14 दिसंबर को और दूसरा 28 दिसंबर को देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से करीब 1.16 लाख करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम और ओवरऑल इकॉनमी के अंदर इन्फ्यूज किए जाएंगे। साथ ही RBI ने इन्फ्लेशन पर भी अपना व्यू पॉइंट रखा। FY25 के लिए इन्फ्लेशन टारगेट 4.5 से बढ़ाकर 4.8% कर दिया गया, यानी कि महंगाई अब भी जारी रहेगी। साथ ही फूड इन्फ्लेशन को लेकर के जो RBI का कंसर्न था वो अभी भी बरकरार है। इसी के साथ फॉरेन करेंसी लिमिट्स को बढ़ाने के लिए भी RBI ने बड़ा डिसीजन लिया, जहां पर फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट सीलिंग बढ़ा दी गई है। इसका एम है ज़्यादा कैपिटल इनफ्लोज को अट्रैक्ट करना और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को बेटर बनाना। इसके साथ ही RBI ने एक नया बेंचमार्क रेट इंट्रोड्यूस करने का भी प्लान किया है, जिसका नाम है सिक्योर्ड ओवरनाइट रूपी रेट। ये रेट जो ओवरनाइट मार्केट रेपो और ट्रेसपास को बेसिस पर होगा, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और मार्केट ड्रिवन होगा। साथ ही रूपी स्टेबिलिटी की बात करें तो गवर्नर ने बताया कि इंडियन रूपी ने अपने सभी इमर्जिंग मार्केट पीयर्स के मुकाबले कम वॉलेटिलिटी दिखाई है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। RBI का कहना है कि बैंक्स और NBFCs का फाइनेंशियल हेल्थ इस समय अपने बेस्ट फेज में है। एक और फ्यूचरिस्टिक स्टेप लेते हुए RBI ने अनाउंस किया कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एथिकल और रिस्पॉन्सिबल यूज़ के लिए एक फ्रेमवर्क बनाएगा। और फाइनली एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक बड़ा डिसीजन दिया गया, जहां पर फार्मर्स के लिए कोलैटरल फ्री लोन्स की लिमिट को 1.6 लाख से बढ़ाकर अब 2 लाख कर दिया गया है, जो उनके लिए एक बड़ा रिलीफ होगा। ये थे RBI के लेटेस्ट पॉलिसी अनाउंसमेंट्स के हाइलाइट्स। आपको ये हाइलाइट्स कैसे लगे और साथ ही MPC की ओवरऑल बैठक आपको कैसी लगी और जो उसके आउटकम्स निकल के आए आपको वो कैसे लगे, हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और साथ ही ऐसी और फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए देखते रहें जागरण बिजनेस।